कोलकाता से 90 किलोमीटर साउथ में बसा घोरामारा आइलैंड पिछले 30 सालों में बदलते क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने साइज का अब आधा ही बचा है। भारत से कटते हुए इस आइलैंड तक पहुंचने का अब सिर्फ एक ही जरिया बचा है, वो है फिशिंग बोट। और इसीलिए 3,500 से ज्यादा की रहने वाली यहाँ पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी साधन नहीं है। फिर भी रेगुलरली साइक्लोन का सामना करने वाले इस आइलैंड पे एक चीज बहुत ही प्रॉपर है, वो है सनलाइट। और इसीलिए साल 2022 में भारत सरकार ने आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलकर यहाँ पे 250 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया और लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दिया जाना शुरू कर दिया गया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है और साल 2040 तक बाकी कंट्रीज को छोड़ते हुए भारत दुनिया का नंबर वन एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। भारत को आज एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसका सबसे बड़ा रिलायबल सोर्स बनता है सोलर एनर्जी। साल 2015 में भारत सरकार ने एक एम्बिशियस टारगेट बनाया, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि साल 2022 तक भारत करीब 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी तक एनर्जी जनरेट करेगा और इसमें 40% तक रूफटॉप सोलर से आएगा। साल 2015 तक भारत अपने सोलर कैपेसिटी का करीब 3.7 गीगावाट एनर्जी ही खाली प्रोड्यूस कर रहा था और 2022 के अक्टूबर आते आते भारत 60 गीगावाट एनर्जी तक प्रोड्यूस कर रहा था। भारत अपने 100 गीगावाट सोलर एनर्जी के टारगेट से काफी ज्यादा पीछे है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि भारत में काफी स्लो एडॉप्टेशन है रूफटॉप सोलर का। इंडिया में रूफटॉप सोलर लगाना आज के डेट में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिस पर गवर्नमेंट भी कोई सब्सिडी नहीं दे रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे क्यों भारत का 100 गीगावाट एनर्जी का प्लान पूरी तरीके से फेल होता जा रहा है और भारत को सोलर की कितनी ज्यादा जरूरत है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। सरकार के मार्च 2022 के रेट के अकॉर्डिंग भारत में अगर आपको रेजिडेंशियल रूफटॉप पे सोलर लगाना है तो उसमें पर किलोवाट का खर्चा करीब 50,000 रुपए आता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे कि भारत में जो भी रेजिडेंशियल घर होते हैं या फिर छोटे उद्योग होते हैं, वो रूफटॉप सोलर नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको बैंकों की तरफ से कोई भी लोन नहीं मिला करता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी पे इतना ज्यादा फोकस कर रही है तो बैंक्स लोन देने को क्यों नहीं तैयार हैं सोलर एनर्जी के लिए। इसका सबसे बड़ा जवाब है कि जो भी बैंक्स लोन दिया करते हैं वो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग देते हैं। उनको ये पता करना होता है कि ये जो पैसा लोन के लिए दे रहे हैं वो पैसा कितने टाइम में रिटर्न आएगा। अब सोलर एनर्जी एक नई टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे बैंक्स को ये फाइंड आउट करने में मुश्किल होती है कि वो पावर कितना जनरेट करेगी, जिस वजह से रेवेन्यू कितना आएगा। तो यहाँ बैंक्स को लगता है कि लोन डिफॉल्ट होने का रीजन बहुत ज्यादा बन जाता है यहाँ पे, और यही प्रॉब्लम है कि वो छोटे लोन देने में बहुत ज्यादा कतराते हैं। वहीं अगर हम बड़े इंडस्ट्रीज या बड़े मेगा सोलर प्रोजेक्ट में देखें तो वहां पे बैंक्स बहुत तेजी से लोन देते हैं, क्योंकि बड़े कंपनीज के जो फाइनेंसर होते हैं बहुत ही स्टेबल होते हैं, तो वहां पे लोन रिकवरी करना बहुत ही ईजी हो जाता है। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग भारत में 75% रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट सिर्फ इंडस्ट्रियल या फिर बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में ही बनाया जाता है। तो अब अगर बैंक्स को ये नहीं पता है कि इससे कितना कैश फ्लो जनरेट होगा तो ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड लोन या पर्सनल लोन जैसा हो गया। जैसा कि मैं अपने पर्सनल काम के लिए एक लोन लेता हूँ, कुछ वैसे ही सोलर लोन भी हो गया। तो इससे कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि एसेट लोन जो होते हैं वो बिल्कुल एक अनसिक्योर्ड लोन की तरह होते हैं, जिसमें कि इंटरेस्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, करीब करीब 17%, जो कि काफ़ी हाई होता है। वहीं दूसरी प्रॉब्लम आती है कि पर्सनल लोन 3-5 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन जो सोलर पैनल है उसका आप मेजर रिटर्न देखेंगे कि 25 सालों में आपको अच्छा खासा रिटर्न वहां दिखाई देता है। और उतने टाइम पीरियड तक बैंक्स को लोन देना काफ़ी मुश्किल चीज़ है उस चीज़ के लिए जहां पे उनको पता नहीं है कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। और वहीं तीसरी बैंक्स को डिफिकल्टी होती है कि उनको पता नहीं कि कैश फ्लो कितना आ रहा है, इसलिए वो अप्रूवल जल्दी देते नहीं है। इसको बहुत ही हम इन शॉर्ट बोले तो सोलर टेक्नोलॉजी, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है, उसके डेटा बहुत ही कम अवेलेबल है कि इसका सक्सेस रेशियो कितना होगा, ये पावर कितना जनरेट करेगा, उस पावर से रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, ये बैंक्स को नहीं पता होते हैं, इसलिए वो डेटा की कमी की वजह से वो लोन नहीं देते हैं। वहीं अगर हम पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक इन्वेस्टमेंट मीटिंग में देखने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा था कि कंट्री का जो सोलर, विंड और बायोगैस है उसकी पोटेंशियल उतनी ही है जितने की एक सोने की खदान मिलना हो गया, या फिर कोयले की खदान हो गई, या फिर एक ऑयल रिजर्व का मिलना हो गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब सरकार इतना ज्यादा फोकस है, उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है सोलर को, तो यहाँ पे डेटा अवेलेबल क्यों नहीं है। आइए उसको थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं।
यहाँ पे डेटा की कमी होने का सबसे बड़ा रीजन है कि हर एक छत दूसरे छत से बिल्कुल अलग होती है, जिस वजह से सबका डेटा बिल्कुल अलग होता है। हर एक छत का बिल्कुल कस्टमाइजेशन वाला प्रोसेस होता है, जिस वजह से जो लेंडर होता है उसको पैसा देने में काफ़ी मुश्किल होती है। इसको थोड़ा सा और डीप डाउन करते हैं। अगर हम देखें कि कोई भी अगर एक छत पे अगर हम सोलर पैनल लगा रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा कि उस छत पे अगल बगल की जो बिल्डिंग्स है वो कितनी ऊंची है, वही डिसाइड करेंगे कि उस छत पे कितना ज़्यादा लाइट आ रही है। जितनी लाइट आएगी उतना ज़्यादा पावर जनरेट होगा। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि हर जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बिल्कुल अलग होता है। कुछ घर होते हैं वो प्लेन एरिया में होते हैं, कुछ घर होते हैं वो अलग अलग एंगल्स वाले एरिया पे होते हैं। तो उस छत पे जो लाइट आ रही है वो अलग एंगल से आएगी, तो कहीं ज़्यादा आएगी कहीं कम आएगी। तो हर जगह का डेटा बिल्कुल अलग बनेगा, हर एक छत का बिल्कुल डेटा अलग होगा। डेटा निकालने का तीसरा फैक्टर होता है कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक उस छत पे कितनी ज़्यादा सनलाइट आ रही है। अगला फैक्टर होता है कि लाइट टू शेडो रेशियो कितना ज़्यादा हो रहा है। इसके साथ ही कई और माइन्यूट फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि वो छत किस मटेरियल से बनी है और उस छत पे अगर पानी की टंकी रखी है तो वो कितनी बड़ी रखी है। ये सब डिसाइड करते हैं कि एक रूफ टॉप पे कितना ज़्यादा सोलर पैनल एनर्जी जनरेट करेगा। ये जो एनर्जी जनरेशन होती है ये किलोवाट पर आर पे होती है। इसके साथ ही ये किलोवाट पर एनम पे निकालना होता है, जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि इतना पावर जनरेट होगा, अब उस पावर जनरेशन से कितना रेवेन्यू बनेगा। तो यहाँ पे आप क्लियर समझ रहे होंगे कि हर एक छत अगले छत से बिल्कुल अलग है। यहीं पे बैंक्स को प्रॉब्लम आ जाती है। अगला यहाँ पे सोलर पैनल का डेटा निकालने में एक और प्रॉब्लम आती है कि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर हम इंडियन मार्केट में देखें तो 30 से 40 तरीके के सोलर पैनल के मॉड्यूल अवेलेबल हैं और इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, जिससे करीब 1000 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं ये मॉड्यूल्स और इन्वर्टर्स को मिला के। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सोलर पैनल किस तरीके से वर्क करेगा। तो अब यहाँ पे अगर किसी बैंक को किसी को लोन देना है अपने छत पे एक सोलर पैनल लगवाने के लिए, तो बैंक को वहाँ पे एक इंजीनियर बुला के सब कुछ सारे डेटा माइन्यूटली चेक करने होंगे, फिर डिसाइड होगा कि वो कितना ज़्यादा पावर जनरेट कर पाएगा। अब उसको पूरा फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो लोन अमाउंट होता है उसका करीब 25% रुपया लग जाता है। अगर हम एक पर्सनल लोन देने में देखें तो वहाँ पे बैंक का सिर्फ 1% रुपया खर्च होता है, लेकिन अगर एक सोलर पैनल का अगर हम ये पूरा जो टेस्टिंग वाला प्रोसेस है, जो डेटा निकालने का जो तरीका है, उसमें बैंकों का 25% रुपया लग गया। तो अब यहाँ पे बैंक इसीलिए बहुत ज़्यादा पीछे हटते हैं कि उनका पहले ही इतना ज़्यादा पैसे लग जा रहे हैं, तो वो कैसे सोलर पैनल दे पाएंगे किसी को लोन। तो अब यहाँ पे बैंक इसीलिए पीछे हटते हैं कि डिटर्मिनेशन वाले प्रोसेस में ही अगर 25% पैसा लग जा रहा है तो वो बैंकों की जेब से जाता है, जिस वजह से बैंक लोन देने से पीछे हटते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि क्या भारत में कोई सोलर पैनल के लिए लोन अवेलेबल नहीं है? ऐसा नहीं है, कई सारे कंपनीज है। जैसे कि हम टाटा ग्रुप को देखें तो उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें वो लेस कोलैटरल या फिर कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप अपने घरों में आप सोलर पैनल लगा सकें। इसके साथ ही SBI की भी एक सूर्य शक्ति प्रोग्राम है, जिसमें SBI भी आपके छत पे सोलर पैनल इंस्टॉल कराने के लिए भी आपको कोलैटरल फ्री लोन देती है। आपने इस बिजनेस केस स्टडी से क्या सीखा, आप कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को बिजनेस की अच्छी नॉलेज मिल सके और लोग बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखेंगे तो कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया इंडिया में चेंज आएगा।